इस समय। जब मैं स्कूल में था 11th 12th में, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। फिजिक्स से मुझको बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, और मेरे को ऐसा फील होता था कि मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है। आगे आके पता चला कि ठीक ठीक ही थी, और हमेशा सीखना होता है लाइफ में। फिर मैं कॉलेज गया फर्स्ट ईयर में, अगस्त के अंदर मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, और 5 सितंबर को शाम को मेरे घर से कॉल आया कि अलग पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं उसी टाइम वहां से निकला, मैंने टेम्पो ली, ऑटो ली, और मैं पहुंचा बस अड्डे, क्योंकि ट्रेन का शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा था, और बस से रातों रात हॉस्पिटल पहुंचा 2 बजे। इसके बाद मेरे फादर हॉस्पिटल में वहां से 1.5 साल एडमिट रहे, कभी हॉस्पिटल कभी घर, कभी हॉस्पिटल कभी घर लगा रहा। 2 मेजर सर्जरीज हुई, और उसके बाद आज पापा काफी ठीक है। बट इस पीरियड के अंदर मेरा बीटेक का पहला सेमेस्टर आया। पहला सेमेस्टर मतलब बीटेक में 6-6 महीने पे एग्जाम होते हैं, तो 6 महीने में मेरा पहला बड़ा पेपर आया। अच्छा, बीटेक के फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लास 11 12th के ही सब्जेक्ट्स होते हैं काफी कुछ। फॉर एग्जांपल, बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स से आया, फिर फिजिक्स, फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है। तो काफी सब्जेक्ट ऐसे थे जो आपने 11 12th में पढ़ रखे थे, और वहीं से टॉपिक उठाया जाता था और थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ जाते थे। तो फर्स्ट ईयर के पेपर सामने थे, और मैं कभी कॉलेज जाता था कानपुर, कभी वापस घर जाता था इलाहाबाद। कॉलेज मेरा कानपुर में था, घर मेरा इलाहाबाद में, तो कभी मैं कॉलेज पहुंच जाऊं कानपुर, कभी घर आ जाऊं। कॉलेज जाना पड़ता था क्योंकि अटेंडेंस का ध्यान देना है, और घर आना पड़ता था क्योंकि पापा का ध्यान देना है। तो इन दोनों के बीच में फंसा था, और मेरे सेमेस्टर आ गए, और सेमेस्टर के साइम भी कुछ ऐसा माहौल था कि पापा हॉस्पिटल में ही थे, तो सेमेस्टर से जस्ट पहले मैं घर आया था। अगले दिन मेरा फिजिक्स का पेपर है, और मैं इस टाइम हॉस्पिटल में हूं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं दोपहर से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, और फिजिक्स तो मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट है, मैं अच्छा कर ले जाऊंगा। दोपहर हो गई, मैंने फिजिक्स की किताब खोली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को अचानक से फील हुआ कि एक तो मैं पुरानी चीज भी भूल गया हूं, और दूसरी चीज यहां पे थोड़ी चीजें एडवांस लेवल पे चली गई हैं। शाम आते आते मैंने डिसीजन लिया कि हॉस्पिटल में पढ़ाई नहीं होगी, अपने को घर जाना पड़ेगा। प्लानिंग ये थी कि आज रात को तैयारी करेंगे, कल सुबह 5:30 की ट्रेन होती है इलाहाबाद से जाएगी, उस टाइम हुआ करती थी इलाहाबाद से कानपुर। मैंने कहा ठीक है, 4 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा, 4-4.5 घंटे का रास्ता है, अगर आप ट्रेन से प्रॉपरली आपको टाइमली पहुंचा दे। वैसे भी एग्जाम मेरा दोपहर के 2 से शाम के 5 बजे का था, तो प्लानिंग परफेक्ट थी, सारी कहानी सही थी। मैं घर पहुंचा, मैंने रात को पढ़ाई करना स्टार्ट किया 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से, और मैं लग गया रात को 11:30-12 बजे, और मुझे फील हो गया कि ये पेपर तो गया। मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ये पेपर छोड़ दूंगा, और मैं इस बार पहली बार लाइफ में फिजिक्स का पेपर छोड़ रहा हूं, मैं कोई पेपर पहली बार छोड़ रहा हूं, इतना बड़ा डिसीजन। क्योंकि मेरी हिम्मत टूट चुकी थी, मुझे अपनी मंजिल अब दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसका नाम अनुराग है, अनुराग से मैंने बात की, और हमने रैंडम टॉपिक से बात की दुनिया भर की। फिर लास्ट में मैंने उसको बताया कि अनुराग मैं कल का पेपर छोड़ रहा हूँ अपने कॉलेज का, और वो बहुत शौक था कि अलग तुम स्कूल में पढ़ने में इतने अच्छे थे, तुम हमेशा से इतने अच्छे रहे, तो ये क्या हुआ। मैंने कहा यार मैं तैयारी नहीं की समय पे, मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, वो एक एक्सक्यूज कह लो, जो भी कह लो, रीजन कह लो, पर मैंने तैयारी नहीं की है। तो उसने मेरे को बड़ी अच्छी चीज बताई, उसने ये बोला कि तुम अभी गिव अप क्यों कर रहे हो, पेपर नहीं हुआ है, और जब तक पेपर नहीं हुआ है तब तक तुम्हारे पास समय बाकी है, तो तुम अभी गिव अप करके मेरे से 1/2 घंटा क्यों फोन पे बात कर रहे हो, तुम वापस अपना एफर्ट क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे को उसकी बात सही लगी, मैंने फोन काटा, मैंने एफर्ट देना स्टार्ट किया। मैं रात भर जगा, 4 बजे सोया, 5:00 का अलार्म, 5:10 का अलार्म, इस तरह से अलार्म लगाए, उठा, तुरंत भागा स्टेशन, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन के अंदर फिजिक्स किताब खोल के पढ़ता रहा, कॉलेज पहुंचा, हॉस्टल गया 10-11 बजे, 2 बजे पेपर है। हॉस्टल जाके मैंने 5th यूनिट पढ़ी, जो कि शायद रिलेटिविटी भी थी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, कुछ नहीं समझ में आता था, तो मैंने उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट किए। मेरे को समझ में आया कि जो चैप्टर्स मुझे आते हैं उनको मैं रिवाइज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ, जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, जो मुझे नहीं आते मैं उसके फॉर्मुले पढ़ता हूँ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ध्यान से देखे, अच्छे से देखे, उनके सोल्यूशन समझे, और मैं चला गया पेपर देने। बाहर निकला, मेरा पेपर ठीक हुआ था, एंड शॉकिंगली ब्रांच के टॉपर्स ने भी ये बोला कि फिजिक्स पेपर बहुत हार्ड है, सभी ने ये बात एक्सेप्ट की। मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में आ गया था मैं पास हो जाऊंगा। मैं घर आ गया, रिजल्ट आया, और यू विल बी शॉक टू नो कि मेरे क्लास कि मेरे बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में ब्रांच में हाईएस्ट नंबर थे। दिस इज अ फैक्ट, मेरे हाईएस्ट नंबर थे 100 में 86 हाईएस्ट होता है वहां पे। और दूसरी शॉकिंग बात ये थी कि 86 के बाद जो सेकंड हाईएस्ट था वो 80 था, 6 नंबर का मेरे पास लीड था। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त जो आज की डेट में साइंटिस्ट है, उनके 36, 44, 54 नंबर थे। वॉट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू शुड नेवर गिव अप, लास्ट मोमेंट तक एफर्ट देना जरूरी है। देखो, लास्ट मोमेंट में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, जो अनुराग की उस कॉल ने मुझको समझाया। एक रास्ता होता है कि उस टाइम मैं गिव अप करके दुनिया भर की बातें करता और पेपर छोड़ देता और तैयारी भी नहीं करता, और दूसरा रास्ता था कि बचे हुए समय में मैं अपनी मंजिल पे ध्यान देता और लगातार मेहनत करता। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर मंजिल बैच, दिल से एफर्ट करेंगे, दिल से जान लगाएंगे, और इसी बार
जेई मेंस, जेई एडवांस क्रैक करके जाएंगे। हमारी टीम आपके साथ है एंड आई होप आप भी हमारे साथ होंगे। ये लेक्चर्स अपने आप में सफिशिएंट नहीं होंगे जेई क्वालिफाई करने के लिए, पर इन लेक्चर के साथ अगर आप प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस भी लगाओगे, टीचर की सारी गाइडलाइंस फॉलो करोगे, तो यू कैन स्टिल मेक इट टू द टॉप लिस्ट। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।